आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देश में अलग अलग घटनाएं हो रही है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंक की राजनीति से दूर रही है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है और स्पष्ट रूप से जन सामान्य को भी मालूम होनी चाहिए। यही हेतु आज मुझे AICC ने आज यहाँ पे हैदराबाद में भेजा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे ली है। तो उदयपुर में जो घटना हुई, उसका जो हथियारा था वो तो BJP का कार्यकर्ता निकला, उसके ओपन उसने मेंबरशिप BJP की ली थी। वहाँ के जो CLP लीडर, विरोधी पक्ष नेता है, उनका दामाद का अतुल चौड़िया जी का वो वहाँ पे वो फैक्ट्री में काम करता था, कटारिया जी के ये दामाद है। और अब ये बताइए, इस बात को हमने क्या कहना चाहिए? वैसी घटना अमरावती में भी हुई। अमरावती में तो वहाँ की जो निर्दलीय सांसद है, जो आजकल वो और उसके पति BJP के साथ बहुत जुड़े गए हैं, नवनीत राणा, वो वहाँ पे उनके करीब का वो इरफान खान निकला, उनके लिए उसने प्रचार किया, वोट मांगे। ये तो वास्तविकता है, तो सोशल मीडिया के मार्फत सभी को मालूम हो चुका है और वही चिल्ला रहे हैं कि किसने किया, क्या किया। तो ये तो गलत बात हुई। ये सिर्फ दो इंसिडेंट्स नहीं हुए। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वो सक्सेना करके, जो ध्रुव सक्सेना करके है, वो ISI की टीम में पकड़ा गया और वो IT सेल BJP का मेंबर निकला। वहाँ पे असम में भी आप देखेंगे कि एक BJP के कार्यकर्ता को वहाँ पे उम्र कैद की सजा हुई है। करीबन 1000 करोड़ का उन्होंने घपला किया है और ये घपलों से पैसे आते थे, वो आतंकवादियों को देते थे और वही पैसों से वो हथियार खरीदते थे। वो हथियार हमारे जो रक्षक है, हमारे जो मिलिट्री है, उनके विरुद्ध में वो इस्तेमाल होता था। सक्सेना के बाद में, 2 साल के बाद में, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कोई सिंह करके है, बलराज सिंह, उनको पकड़ा गया। वो भी BJP से जुड़े हुए एक संस्था के, और वो टेरर को फंडिंग कर रहे थे। तो ये सारी वार्ताएं जो है वो हमको, हमारे देश को एक अलग ही मोड पे ले। भाजपा वाले राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और फिर ये कैसा नाता है? माने राष्ट्रवाद की बातें एक तरफ होती है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को देखो ना, पुलवामा में क्या हुआ, कौन था वो और उसको क्यों छोड़ा गया था, कंधार में किसने किया, मुंबई में जो अटैक हुआ वो किसने किया, वो कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के लिए? हथियारों का लेन देन करने वाला एक DSP, वो जो पकड़ा गया, उसकी जांच क्यों बंद की गई? ये सारे सवाल है और ये सारे सवाल जनसामान्य तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद की बातें करें और दूसरी तरफ आतंकवाद को प्रेरणा दे, ये तो नहीं होने देंगे। ये तो देश हमारा है और इसे सुरक्षित रखना हमारा काम है। हैदराबाद के और तेलंगाना के सभी भाइयों को, बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अब वक्त है जागरूक होने का और अभी वक्त है ये सारी चीज़ें जान लेने का और सच्चाई जो है उसके पीछे खड़े रहने का। ऐसा है, हमारे ही लोग हमारे ही बीच में भेदभाव निर्माण करते हैं, हमारा विभाजन करते हैं और फिर उसका फ़ायदा दूसरा कोई ले जाता है। तो ये तो गलत बात हुई। हमें इकट्ठा आना पड़ेगा, हमें एकजुट रखनी पड़ेगी और हमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे बरकरार करना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी और तभी कहाँ जाकर हम लोग सर्वधर्म संभाव का सही मायने में रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा आपका पूरा नाम बताइए। यशोमती ठाकुर, मैं विधायक हूँ महाराष्ट्र से और मैं
एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हूँ। थैंक यू।